तो नेहा ने दो ढाटू लिए, इसमें से सिलेक्ट करना है। एक तो ये ढाटू है, तो एक और कौन सा है, दूसरा भी दिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज डे टू है नेहा के ऑफिस का और हम लोग हो चुके हैं तैयार। अभी कुछ दिन तक मैं ही नेहा को छोड़ूंगा और लाऊंगा अभी, क्योंकि अभी नई नई दुल्हनियां हैं हमारी, तो थोड़ा सा लाना छोड़ना बनता है। और एक बार जब रूटीन बन जाएगा नेहा का, फिर नेहा अपने हिसाब से हैंडल करेगी। तो हम दोनों हो चुके हैं रेडी, तो और इस व्लॉग को भी मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन, जय हो तारा देवी माता, आप सब पे रक्षा बनाए रखे। अक्षय ने मेरे को कल से भी ज्यादा लेट कर दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन बाद मुझे खुद ही निकल जाना चाहिए, अदरवाइज ऑफिस वाले बोलेंगे बेटा जा वापस। तो क्योंकि टाइमिंग है यार इसकी, 10:10 तक पहुंचना ही पड़ता है और मैं आज शायद लेट हूं। अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप देख सकते हो कितना ज्यादा ट्रैफिक है मेरे आगे। अक्षय को जाते जाते दो चार काम याद आ जाते हैं, वो तो मतलब ना मैं गुस्सा कर सकती ना कुछ, क्योंकि मजबूरी मेरी ऑफिस मैंने जाना है। तो भाई ऐसा है, जब दो लोग तैयार होते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीजों को वाइंड अप करने में। और आज मुझे भी काम है, तो मैं भी घर थोड़ा सा लेट आऊंगा, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। और आज छोटे शिमला से चलना है, पहले बता दो। ओके हाँ, आज नेहा के रूट से चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। क्योंकि अगर मैं आज वैसे ही लेट हूँ और अपने रूट से चला गया तो और डांट पड़नी, अच्छा इसके रूट से चलता हूँ आज मैं। चल, आज आपको वैसे क्या काम है, सिंजौली में? हाँ, मेरे को ग्रूमिंग करानी है, कटिंग कुटिंग। ओके, थोड़ा सा हम भी ग्रूम हो, गांव जा रहे हैं, ससुराल जाएंगे तो लोग देखेंगे बोलेंगे कि दामाद साहब आए हैं। तो व्हाइट वालों के साथ जाएंगे तो बोलेंगे ओहो, तो थोड़े से। चलो, मैंने आपको व्हाइट वालों के साथ एक्सेप्ट किया, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, पर हमारे जो YouTube फैमिली में कुछ लोग नए नए जुड़े हैं जिनको कुछ पता नहीं है हमारे बारे में, तो वो इतने सारे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाएंगे वहाँ पे, बाल काले क्यों नहीं कराते, जॉब क्यों नहीं कराते, इनकम नहीं है, आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। पर जो लोग पुराने हैं हमसे जुड़े हैं, जो शुरू से जुड़े हैं, उनको सब पता है मेरी जर्नी क्या है क्या नहीं है। मैं जॉब भी करता था, बहुत सारे काम करता था, पर बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे को अच्छा लग रहा है, और मेरे को अच्छा लग रहा है यूट्यूब, और मैं इसी में खुश हूँ। बाकी और भी बहुत सारी चीजें, पर उसमें समय लगेगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, इट्स ओके। चलो अभी हम चलते हैं। ये देखो मेरे वाली रोड से आने का फायदा, ट्रैफिक नहीं है और हम जल्दी पहुंच भी जाएंगे। आई होप यहाँ तो नहीं है, पर आगे भी ना लगे, क्योंकि अक्षय ऐसी ऐसी जगह से लाते हैं जहाँ लेट हो जाता है। पर चलो आज एक सिंपल रूट से गए हम लोग, आई होप यहाँ पे आगे जाम ना मिले और नेहा जल्दी पहुंच जाए, नहीं तो फिर मेरी बात। तो जी, नेहा को तो छोड़ दिया है ऑफिस, अब चलते हैं अपने काम से। तो ये है जी शिमला का मॉर्निंग व्यू, जो आपको सामने दिख रहा है ये है मॉल रोड वाला एरिया, कितना डेंसली पॉपुलेटेड है ये भी। टॉप पे आपको जो दिखाई दे रहे है वो है बजरंग बली जाखू मंदिर, जय हो बजरंग बली। तो जी, मेरे पास शैलजा दीदी का दिवाली गिफ्ट भी है, और एक सब्सक्राइबर ने भी शैलजा दीदी को गिफ्ट दिया है। आप लोगों ने वो व्लॉग भी देखा होगा जब हम लोग चंडीगढ़ जा रहे थे, तो एक सब्सक्राइबर मिले थे जिन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, दादी के लिए भी था और शैलजा दीदी के लिए भी था। तो सोच रहा हूँ कि शैलजा दीदी को दे देता हूँ, क्योंकि कल हम लोग गाँव चले जाएंगे तो मौका मिलेगा नहीं। तो अभी मैंने शैलजा दीदी को फ़ोन किया, वो अपने क्लिनिक में है, तो मैं उनके क्लिनिक जाके उनको ये गिफ्ट दे देता हूँ पहले तो। हेलो डॉक्टर शैलजा, हाउ आर यू? तो सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप काम कर रहे होगे। ये दो गिफ्ट आपके हैं, एक आपको सब्सक्राइबर ने दिया है एंड वन इज फ्रॉम माय साइड, दिवाली गिफ्ट। तो कल हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू, आपने इतना कीमती समय निकाला डॉक्टर साहब, आप काम करो फिर बाद में मिलेंगे। मुझे भी काम है, फिर मैं भी वो काम करा लेता हूँ, ठीक है। तो भाई अब मिलता हूँ मैं आपको कटिंग के बाद। तो मैं सलून से तो फ्री हो चुका हूँ, अभी शैलजा दीदी ने आना है, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट्स भी देने हैं शैलजा दीदी ने, तो वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो इस तरफ को ही आएंगे आई थिंक। क्या बात है, डॉक्टर की ड्रेस से हट के शैलजा दीदी नॉर्मल ड्रेस में आ गए। मैं कह डॉक्टर की ड्रेस से हट के नॉर्मल ड्रेस में आ गए शैलजा दीदी। तो चलो आगे तक चलना है आपने वॉक करते करते। तो शैलजा दीदी ने कुछ सामान देना है, दे दो। किस किस का है? ये दादी और मम्मी के लिए। अच्छा, तो उनको दे देना, ठीक है। आपने मुझे एक बताया था कि सब्सक्राइबर्स समथिंग। हाँ, तो आपको एक गिफ्ट भी दिया है सब्सक्राइबर ने, आपने चेक कर लेना वो अभी आप। हाँ चलो ठीक है, अभी मैं भी चलता हूँ, फिर मेरे को शाम को नेहा को लेने जाना है। तो अगर कुछ खाना है कुछ ऐसा है तो बताओ। पेशेंस, ठीक है, तो आपके दिए हुए गिफ्ट्स घर तक पहुंच जाएंगे।
मुझे पता क्या लगा, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, कल जाना है, पर आज तो वेडनेसडे है। चूट धार तो नहीं चल रहा है आपने, देखते हैं, लेट्स सी। चलो हम आपको बताएंगे फिर, ठीक है, ओके। तो जी मैं घर आ चुका हूँ, ये है मेरा आफ्टर कटिंग लुक, आपने बिफोर देखा था, ये आफ्टर है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन का आपको आंसर दे दूं, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है कि नेहा क्या जॉब करती है। नेहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करती है, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ करती है, कहाँ करती है, कितने सारे क्वेश्चन आ गए थे, और किसी ने कॉमेंट सेक्शन में पहले भी बताया नेहा कहाँ जॉब करती है, क्या जॉब करती है। नेहा कंफर्टेबल नहीं होती अपनी जॉब के बारे में बताने के लिए, इसलिए मैं ज्यादा पूछता नहीं हूँ, ना मैं बताता हूँ। आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा नेहा कहाँ जॉब करती है। अब आपके आंसर्स मिल चुके हैं, अब आप कमेंट सेक्शन में इसके अलावा भी कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो अभी देखो, जाने से पहले सूरज यहाँ है, जब तक आएंगे रात हो जाएगी। तो इस पैकेट में है नेहा का दुपट्टा, क्योंकि उसे चाहिए मैचिंग ढाटू, अब गांव जाना है तो भाई ढाटू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी मैं पहुंच चुका हूँ नेहा के ऑफिस के बाहर, अभी नेहा तो आई नहीं है, तो सोच रहा हूँ गाड़ी मोड़ के कहीं लगा देता हूँ। तो भाई हमारे बीच में नेहा जी आ चुकी है, कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो ठंड हो गया, ठंड तो है सुबह शाम, और ना मैं लेट हो चुका था, विकास नगर में इतना जाम था, पता नहीं कैसे कैसे पहुंचा हूँ, पर चलो मैं पहुंच गया। मेरे को ये था कि नेहा पहले फ्री होगी, तो इसने बोलना है भाई रोज ही लेट हो रहे हो आप, सुबह भी शाम भी, तो टाइम से पहुंच गया। और दोनों दिन मैंने सुबह भी इसको टाइम से पहुंचाया है, देख ले, तो और शाम को भी मैंने टाइम से पिक किया, भले मैं लेट हो गया हूँ। तो जी अभी नेहा तो ये देखो ऊपर चली गई है, क्योंकि इसको अपने शूज में कुछ करवाना था, तो मैंने सोचा कि भाई करवा ले, अभी टाइम है, और अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुंच चुके। पार्किंग यहाँ पे है नहीं है, गाड़ी में कहीं साइड में लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाम लग जाएगा नहीं तो। यस मैडम, हुआ काम? वहाँ पे तो है ही नहीं, वो क्यों मुझे नहीं पता, शॉप खुली थी पर वो खुद नहीं थी। चल कोई नहीं, मैं करवा लूंगा कल, मेरे को दे दियो। अभी आपको एक और काम भी होगा है ना? हाँ मेरे को सिंदूर लेना है। सिंदूर भी और वो ढाटू भी तो लेना है आपको। आप दुपट्टा लाया? और क्या, ऐसे ही थोड़ी ना, इसको खुद के काम याद नहीं है यार। तो भाई हम फिर से नरेंद्र भाई के दुकान आ चुके हैं। तो पहले सदरियां दिखाई थी मैंने कि अच्छी मिलती है, अब तो भाई यहाँ ढाटू भी देखने आ गई है नया। तो नरेंद्र भाई के पास ढाटू भी अच्छे होते हैं कलेक्शन में। तो देखो ये इतनी सारी सदरियां लगी है, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो दिखा दो नरेंद्र भाई भाभी जी को। बढ़िया। तो जी मैंने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, लकीली मुझे यहाँ पे आजकल पार्किंग मिल रही है। अभी नेहा विकास नगर से आ रही है, उसको कुछ सामान लेना था, तो यहाँ वेट कर लेता हूँ मैं। मिल गया आपको सामान? हैं? नाइस। तो नेहा ने क्या लिया है ये आपने? ये मांग ठीक है। अच्छा तो वो वाली ठीक नहीं थी? तो मैंने कहा था कि घर पहुंचेंगे तो रात हो जाएगी, तो रात ही हो चुकी है, और सामने देखो तारा देवी माता के मंदिर में भी लाइट जल चुकी है, और सामने सनसेट हो चुका है। उस टाइम पे सन यहाँ था, अब दिख नहीं रहा है। तो नेहा ने दो ढाटू लिए, इसमें से सिलेक्ट करना है, एक तो ये ढाटू है, तो एक और कौन सा है, दूसरा भी दिखाओ, और दूसरा ढाटू है ये। तो आपको क्या लग रहा है दोनों में से कौन सा बेटर है, खुद की इच्छा अनुसार जो आपको ठीक लग रहा है। मुझे ये ठीक लग रहा है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, इसमें वर्क है, पर गोल्ड भी है, देख लेती हूं दो में से कोई भी अच्छा, क्या पता ये ले लूं। हां मेरे को भी ये ठीक लग रहा है, ज्यादा बेटर है, फेस पे अच्छा भी लग रहा है ये वाला। आप सोचोगे कि इतना ये ढाटू, इनके गांव में कोई फंक्शन होता है दिवाली के बाद, खीला? हाँ, कोई फंक्शन नहीं होता हमारे घर में, जो है ना हर दिवाली के तीसरे दिन बाद खीला होता है, हर साल होता है, मुझे नहीं पता है। तो उस फंक्शन के लिए हम लोगों ने जाना है, तो उसके लिए ये तैयारी हो रही है, इसलिए मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, तो फिर वो गांव में फंक्शन होता है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छी अच्छी लगूँ, बिल्कुल परफेक्ट लगूँ। ये वाला कलर अच्छा है जो आपके हाथ में ना, ये ज्यादा खिल रहा है, पता है क्या प्रॉब्लम? हाँ ये ग्रीन सा है, वॉटर ग्रीन, वो ब्लू है, तो चलो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलता है यार। नेहा तो मेरा काम अभी अभी खत्म हुआ, तब तक नेहा ने खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो अब बस खाना बनाते फिर पूजा करते। नेहा साथ में कर रही है अपनी मम्मी से वीडियो कॉलिंग, साथ में है माता रानी। हेलो माता रानी। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। खाना बना दिया? मैं भी बढ़िया हूँ। खाना बना दिया आपने? बना दिया जी। चलो बढ़िया। तो नेहा साथ में बना रही है रायता, क्या बात है। और नेहा ना खाना बहुत टेस्टी बनाती है, रायता भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है, क्यों माता रानी क्या बोलते हैं, रायता अच्छा बनाती है ना? बहुत अच्छा। हम भी आने वाले हैं कुछ दिन में आपसे मिलने। अच्छा ठीक है। हाँ जी आ जाओ जल्दी। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो नेहा की सब्जी भी है रेडी लगभग, तो इसके बाद का क्या प्लान है नेहा? ओके जैसा आप बोलो, तब तक मैं भी अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ, और फिर पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। वॉक पे चलेंगे आज हम क्या बाहर? चल पड़ेंगे, अभी मेरे को बस थोड़ा नहाते टाइम
थोड़े से कपड़े हैं वो मैं साथ साथ मशीन में डाल देती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको खाना चपातियाँ बना के फिर खाना खा लेंगे। वैसे भी बाहर ना थोड़ी सी ठंड हो गई तो थोड़ा सा वार्म और पहनना पड़ेगा आपको। पाँव में पहना आपने कुछ? अरे नहीं, अंदर मैट है, दो-तीन लगती। तो मैं देता हूँ आपको कुछ इसमें, ये लो, ये स्लीपर्स पहन लो, ये वाले लो। स्लीपर इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैंने ये स्लीपर पता कहाँ से लिए है? गेस करो। जब आप मनाली गए थे? नो, धर्मशाला से। तो मेरे को अच्छे लगे और ये अंदर के लिए काफी अच्छे है और गर्म भी है, मस्त एकदम। और इसके साथ की ड्रेस भी ली थी मैंने, आपने शायद अच्छा, देखी नहीं होगी। हाँ, वो इसी के साथ की ड्रेस है। चलो ठीक है, करो आप फिर काम, है ना। हाँ, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। तो यार अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि अब अपने को छोटे छोटे काम है वो निपटा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में कल। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलेक ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।